हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। दिस इज सुरेश भाई एंड वेलकम टू सोरा टेक्निकल। सो गाइस, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर ऑसम वीडियोस। सो गाइस, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ मेन टैग्स जो हम लोग टैग्स फॉर्मेटिंग के हवाले से जो यूज़ करने वाले हैं। तो टैग्स फॉर्मेटिंग के अंदर हम लोग कौन कौन से जो टैग यूज़ करने वाले हैं वो जो मैं आज आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं वहीं से जहाँ से हमने जो पहला लेक्चर था वाइंड अप किया था, वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो चले आए। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था वो मैंने यहाँ पे वाइंड अप किया था, तो हम लोग जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर वो यहीं से शुरू करने वाले हैं। अच्छा, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से जो मतलब पहले ही जो 3-4 वीडियोस मैंने जो बनाई है उसके अंदर भी मैंने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यूज़ की है। तो आज भी जो हम लोग इस लेक्चर में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने वाले हैं, लेकिन इसमें जो है मैं कुछ अहम टेक्स्ट जो है वो आपको बताने वाला हूँ एचटीएमएल के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग एक पैराग्राफ का टैग लेते हैं। ठीक है, पैराग्राफ के टैग को क्लोज करवा दें, क्लोज करवा दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं वेलकम टू पाकिस्तान। ठीक है, तो चलो। अच्छा, कंट्रोल एस से सेव करवा दें इसको, रन करवा दें इसको क्रोम में। तो देखें, सॉरी। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से शो हो रहा है, यहाँ पे कोई स्टाइलिंग वगैरह नहीं है यूज़ की हुई है। तो अब जो हम लोग इस पे फॉर्मेटिंग करने वाले हैं या स्टाइलिंग करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मैं टैग यूज़ करने वाला हूँ बी के नाम से। ठीक है, तो बी से क्या होता है, बी से जो होते हैं हमारे टैक्स जो भी होता है तो वो क्या हो जाएगा, वो टैक्स जो हमारा बोल्ड हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे मैंने एक टैग यूज़ किया है बी के नाम से, ये जो टैग है यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो वेलकम जो है मैंने एक टैग के अंदर यूज़ कर लिया है बी के अंदर। तो कंट्रोल एस से सेव करवा देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो कंट्रोल एस से सेव करा दिया, अब रिफ्रेश करवाएं। तो यहाँ पे ये देखें जो वेलकम था वो बोल्ड हो गया है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान से। ठीक है, तो देखें। अच्छा, और हम लोग दूसरा एक टैग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे इटैलिक के लिए, थोड़ी स्टाइलिंग के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे आई के नाम से एक टैग है। ठीक है, तो यहीं पे आप इसको क्लोज करवा दें। ठीक है, सॉरी इसको। अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक टैग यूज़ कर रहा हूँ आई। आई से क्या होता है, आई से जो हमारा टैग्स जो होता है वो इटैलिक के फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, कंट्रोल एस क्रोम में आके यहाँ पे इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पाकिस्तान था तो वो क्या हो गया है, वो इटैलिक हो गया है। तो अच्छा, यहाँ पे एक और टैग यूज़ कर देते हैं, देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आए बी का टैग यूज़ कर लें। अच्छा, अब मेरे ख्याल से सही रहेगा, बोल्ड भी हो जाएगा और इटैलिक भी हो जाएगा, तो ये सही रहेगा। देखें टेक्स्ट जो हमारा था पाकिस्तान वो बोल्ड भी हो चुका है और उसके साथ साथ वो क्या हो चुका है, इटैलिक के फॉर्म में भी आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही एक और टैग है स्ट्रॉन्ग के नाम से। यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस, अच्छा यहाँ पे मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, छोड़ ही रहने दें आप इसको, मैं यूनिवर्सिटी को यहाँ पे इस टेक्स्ट को कॉपी करने वाला हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी कर लें। अच्छा, यहाँ पे आके आप एक और पैराग्राफ यूज ले लें पी के नाम से, क्लोज कर दें इसको। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लूँ। अच्छा, तो देखें आप इसको सेव करवा दें पहले, देखते हैं। अच्छा, तो देखें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, जो टेक्स्ट था हमारा सिंधगिरी यूनिवर्सिटी वो सिंपल फॉर्म में आ गया है, कोई इस पर एडिटिंग नहीं की हुई है, कोई भी इस पर फॉर्मेटिंग नहीं की हुई है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा इस पर फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मैं टैग यूज़ करने वाला हूँ स्ट्रॉन्ग के नाम से। अच्छा, स्ट्रॉन्ग में क्या होगा आप देखें। अच्छा, हम लोग स्ट्रॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं या बोल्ड यूज़ कर सकते हैं, तो डिफरेंस इतना नहीं है दोनों में। तो यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं या बोल्ड भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करवा दें, देखें। तो देखें यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट था वो बोल्ड के फॉर्म में चला गया है। ठीक है, तो इसकी जो फॉन्ट साइज़ थी वो तो बड़ी नहीं हुई है, लेकिन देखें आप इसकी जो साइज़ थी फॉन्ट साइज़ वो थोड़ी इनक्रीज़ हो गई है। ठीक है, तो अच्छा
ऐसे ही दो दो और टैग्स हैं जो मोस्टली हम लोग मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा बेस जिसको हम लोग सबस्क्रिप्ट कहते हैं, और एक होता है हमारा जो स्क्वायर या हम पावर कहते हैं, जिसे इसको हम लोग कहते हैं सुपर पावर या सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पहले इसको कमेंट में लिख लें यार। सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, एंड सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर कर दें आप। अच्छा, यहाँ पे आप ले लें x2। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये 2 जो है ये इसका बेस बन जाए x का। ठीक है, तो वो कैसे होगा, जो 2 है, अच्छा जो 2 है इसको आप कर लें टैग के अंदर सब के नाम से। ठीक है, सब के नाम से एक टैग है, तो उसके अंदर आप लोग यूज़ कर लें इसको और सबको क्लोज करवा दें, तो कंट्रोल एस से सेव करवा दें इसको। तो देखें, ये 2 जो है इस एक्स का बेस बन गया है। ठीक है, तो ऐसे ही सुपर स्क्रिप्ट या सुपर पावर जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ऐसे ही टाइप कर लें आप एक्स सुपर या सबस्क्रिप्ट, सॉरी यहाँ पे ये नहीं है, अच्छा सब। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे आप 2 लिखें या 3 लिखें, एज यू विश, जो आप करवाना चाहते हो। ठीक है, तो इसी तरह इसको आप क्लोज करवा दें यहाँ पे सब। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करवा दें। अच्छा, तो यहाँ पे रन करवा दें। अच्छा सॉरी, एक मिनट, मैं इसको यहाँ पे ब्रेक, ये देखें यहाँ पे एक्स के पावर आ गया है, एक्स एक्स पावर 3 आ गया है। तो मैं इसको थोड़ा लाइन ब्रेक कर देता हूँ। यहाँ पे br का मैंने टैग आपको पहले क्लियर करवा दिया था कि br का टैग क्या करता है। br का टैग जो है लाइन को ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो देखें, कंट्रोल एस से सेव करते हैं पहले। अच्छा, तो देखें जैसे ही मैंने br का टैग यूज़ किया, तो जो हमारा एक्स कि पावर जो 3 था वो क्या हो गया, वो नेक्स्ट लाइन में चला गया है। ये एक्स पावर 2 जिसको हम लोग सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ये सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, या सब पी हम लोग इसको कहते हैं, सब SUP। ठीक है, तो देखें यहाँ पे आप, ये हो गया, ये हमारा सबस्क्रिप्ट हो गया, सुपर स्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये जो था स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ हो गया, बोल्ड हो गया, इटैलिक। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही मजेदार एम थे टैग इस हवाले से, स्ट्रॉन्ग का टैग था, बोल्ड का था, इटैलिक का था, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से ये बहुत ही एम थे, तो इस हवाले से मैंने आपको बता दिया। तो ठीक है, ये आज का लेक्चर जो है ये यहीं पे वाइंड अप कर लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।